गलियां हैं, अब इसमें बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं, वॉक करूं कि ना करूं, क्या करूं, बड़ी उलझन है ना। आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। तेज गर्मियों में प्रेग्नेंट वुमेन को, जो गर्भवती माएं हैं, उनको बाहर जाके वॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या बात है, क्या सही है क्या गलत है, हम इसको समझते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में 3 से 4 किलोमीटर अगर आप पैदल चलती हैं हर दिन, अगर आपका केस नॉर्मल है, आपको कोई स्टिचेस नहीं लगे हैं सर्विक्स में, या प्लेसेंटा पोजीशंस और नहीं है, तो आप आराम से चल सकती हैं। ऐसे में अगर स्कॉचिंग हीट हो, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो बाहर, तो ऐसे में कई चीजें हैं, केस टू केस अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उन्हें फॉलो कर सकती हैं। मैं ढेर सारी चीजें अभी वीडियो में आपको बताऊंगी, जो आपको सुटेबल लगे अपने लिए आप उसे फॉलो करिएगा। और हाँ, YouTube Mom चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे अपडेट्स, वीडियो जब जब आएंगे आपको पता चलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप आराम से चल फिर पा रही हैं, तो अपने स्पोर्ट शूज डालें, एक वाटर बॉटल लें और आराम से वॉक करें। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि कब वॉक करें, तो जब धूप ना हो, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग आप कर सकती हैं, या फिर शाम को भी लू चलती है, जब तेज धूप होती है, गर्मियां तेज होती हैं, तो आप 8-9 बजे के आसपास का समय चुन सकती हैं, तब आप वॉक करें। लेकिन किसी भी टाइम आप वॉक करें, आपके पास पानी होना चाहिए, हर 200-300 मीटर पे आपको थोड़ा पानी पीना है, रुके पानी पिए फिर वॉक करें, बिल्कुल ये तरीका होना चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। धूप के अंदर बिल्कुल भी आपको वॉक नहीं करना। नंबर 2, आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप वॉक कर ही नहीं सकती, आप नहीं जा सकती वॉक करने इतनी तेज गर्मी में, तो इसके लिए बेटर है कि आप घर में योगा करें, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल वही 30 से 40 मिनट तक आप स्ट्रेचिंग और वर्कआउट अपना करें, वार्म अप करें, वर्कआउट करें, हल्के फुल्के कार्डियोज जो आपके ट्रेनर ने, आपके गाइड ने आपको सजेस्ट किया है, आप उन्हें कर सकती हैं। प्रेगनेंसी योगा पर हमारे और भी वीडियोस हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकती हैं। कई फीमेल्स डरती हैं कि प्रेगनेंसी में मैं कैसे वर्कआउट करूँ, लेकिन प्रेगनेंसी को बेटर और हेल्दी रखने के लिए आपको थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, तो आप जिम भी जा सकती हैं, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका हाइड्रेशन प्रॉपर हो, आपकी डाइट प्रॉपर हो, प्रोटीन सही से ले रही हैं या नहीं ले रही हैं इसका ध्यान रखें, आपके आउटफिट सही हो, और साथ ही क्या वर्कआउट करना है ये आपको पता होना चाहिए। आप नॉर्मल नहीं है, प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग आपको अपने वर्कआउट पता होने चाहिए, इसके लिए आप गाइड भी हायर कर सकती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको कि आप फॉलो कर सकती हैं। घर में योगा करना गर्मियों में सबसे बेस्ट है, लेकिन मौका मिलते ही आप ज़रूर बाहर वॉक के लिए जाएं, लेकिन तब जाएं जब बिल्कुल भी धूप ना हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ORS या सादा पानी, नारियल पानी, इनका इनटेक करते रहें। चक्कर आ रहा है, सिर घूम रहा है, जी घबरा रहा है, तो बिल्कुल बैठ जाएं, जब तक आप नॉर्मल ना हो वापस स्टार्ट ना करें। अगर नॉर्मल नहीं होते हैं तो बिल्कुल आराम करें, रिलैक्स करें, घर जाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी, वर्कआउट करते रहें, एनर्जेटिक रहें, और साथ ही वर्कआउट आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी देती है, तो आपको और आपके बच्चे को हेल्दी रखने के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, इसलिए चलते फिरते रहें, एक्टिव रहें अपनी प्रेगनेंसी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।